नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं विराम का जड़त और इससे संबंधित उदाहरण देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों उदाहरण से पूछा जाता है, इसलिए उदाहरण अधिक से अधिक समझेंगे, परिभाषा भी याद करेंगे और इससे संबंधित कई उदाहरण देखेंगे, जैसे 4 से 5 उदाहरण देखेंगे, है ना। कुछ आपको मैं समझा दूंगा जिससे संबंधित आप पूरे उदाहरण आपके जो बुक्स में होगा दोस्तों उसे आपको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले परिभाषा समझेंगे, किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विरामा अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है विराम का जड़त्व तो कहते हैं। मतलब दोस्तों कोई वस्तु है ना, उसमें एक गुण होता है जो स्वतः ही अपने विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। जैसे वह विराम है ना, जिसके कारण वह गति ना कर सके, तो उसमें जो गुण होता है जो उसको गति अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करता है उसे दोस्तों कहते हैं विराम का जड़त। अब चूंकि आपको पता होगा जड़त तो 3 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त, गति का जड़त और दिशा का जड़त। तो आज हम विराम के जड़त में उदाहरण समझेंगे और विराम का जड़त समझेंगे। तो विराम का जड़त तो क्या है दोस्तों, मतलब एक पदार्थ का स्वतः वह गुण है जो स्वतः ही अपने विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। जैसे आप बैठे हैं तो आप बैठे ही रहे, तो बैठे हैं दोस्तों गति नहीं कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि उसमें एक विराम का जड़त लग रहा है ना। जैसे यात्री बैठा है तो उसमें दोस्तों क्या है, एक विराम का जड़त भी लगता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल दोस्तों यदि आया एग्जाम्पल तो एक दो एग्जाम्पल तो आप दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? बस है दोस्तों आपके पास, एक बस है, नॉर्मल समझ लेते हैं अपन, बस है दोस्तों, इसमें क्या है व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या है व्यक्ति बैठा, और जैसे बस रुकता है एकाएक चलता है तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? तो समझिएगा दोस्तों, जैसे आपके पास ये सीट है, आपके पास ये सीट है, इस पर व्यक्ति बैठा है, इस पर व्यक्ति बैठा है ना, और इसके पैर इधर हैं, है ना, ये व्यक्ति दोस्तों बैठा हुआ है। तो होता क्या दोस्तों, जैसे बस चलती है, जैसे बस चलती है तो समझिएगा, चूंकि पहले तो बस बस स्थिर है, बस स्थिर है और तो पूरा शरीर भी क्या है स्थिर है, लेकिन जैसे बस चला दोस्तों, जैसे बस क्या हुआ चला, तो क्या होगा, बस के चलने से बस चला वैसे ये पैर जो होता है क्या होता है, गति करने लगता है, लेकिन ऊपर का भाग जड़त्व अवस्था में होता है, इस कारण से ये गति नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है। समझे बात को, कि जब व्यक्ति बस पर बैठा है और बस स्थिर है तो इसमें विराम का जड़त्व है, जैसे ही बस चलना शुरू किया वैसे जो बस के साथ साथ नीचे का पैर वाला भाग है, कमर के नीचे वाला भाग है, वो बस के साथ गति करने का प्रयास करता है, किंतु दोस्तों ऊपर का भाग विराम का जड़त्व अनुभव करता है, इस कारण से हल्का पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे दोस्तों, एक बार मैं पूरा सब बोल रहा हूं, आपको लिख लेना है कि बस के एकाएक चलने पर व्यक्ति के कमर के नीचे वाला भाग, व्यक्ति के इधर दोस्तों जो कमर के नीचे वाला भाग होता है, व्यक्ति के कमर के नीचे वाला भाग है ना, बस के चलने से गति अवस्था में आ जाता है, किंतु ऊपर वाला भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहता है, अतः व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, ठीक है ना। चीजें समझ में आ गई कि जैसे ही बस चलता है वैसे दोस्तों जो व्यक्ति का कमर होता है, कमर के नीचे वाला भाग है, गति करने लगता है, लेकिन ऊपर वाला भाग दोस्तों विराम के जड़त्व के कारण गति नहीं करता है ना, और विराम के जड़त्व के कारण गति नहीं करता, इसलिए हल्का सा पीछे की ओर झुक जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़े के एकाएक चलने से घुड़सवार पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? वही चीज है दोस्तों, जैसे आपके पास एक घोड़ा है, आपके पास क्या दोस्तों, एक घोड़ा है, समझिएगा थोड़ा सा, है ना, ये घोड़ा है, मान लेते हैं घोड़ा है, इस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसमें क्या होगा दोस्तों, जब घोड़ा चलना शुरू करेगा तो व्यक्ति के कमर के नीचे वाला भाग घोड़े के साथ गति अवस्था में आ जाता है, किंतु इसके कमर के ऊपर वाला भाग विरामावस्था में होता है, यानी विराम के जड़त्व के कारण दोस्तों विरामावस्था में होता है, इसलिए व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। क्वेश्चन सीधा आएगा, घोड़े के एकाएक चलने से घुड़सवार पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो आप बताएंगे कि घुड़सवार में बैठा, घोड़े पर बैठा घुड़सवार है ना, जो चूंकि दोस्तों जब घोड़ा गति करता है तो बैठा घुड़सवार का कमर का नीचे वाला भाग घोड़े के साथ गति अवस्था में आ जाता है, किंतु कमर के ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण, किस जड़त्व के कारण, तो विराम के जड़त्व के कारण क्या होता है दोस्तों, स्थिर अवस्था में होता है ना, विराम अवस्था में होता है, इस कारण दोस्तों ये पीछे की ओर क्या होता है, झुक जाता है या पीछे की ओर गिर जाता है। अचानक यदि तेजी गति से दोस्तों घोड़ा चले तो व्यक्ति पीछे या नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन बोल दूं कि पेड़ को हिलाने पर फल टूटकर नीचे गिरता है, क्यों?
हल टूटकर नीचे गिरता है क्यों? क्वेश्चन आप लिख लें, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जैसे आपके पास एक पेड़ है, इसमें दोस्तों टहनी है, टहनी है, इसमें फल लगा हुआ है। जैसे इस टहनी को हिलाए, टहनी को हिलाए, तो दोस्तों जैसे टहनी हिला, बात को समझिएगा, इसमें एक फल लगा हुआ है, ठीक है ना, टहनी में एक लगा हुआ है फल। तो जैसे टहनी को हिलाते हैं दोस्तों, तो ये पूरा हिलेगा, तो ये जो इसका जहाँ पे दोस्तों फल लगा होता है वहाँ का भाग, यानी फल का जो प्रारंभिक भाग होता है वो गति करने लगता है, टहनी गति करने लगती है। किंतु दोस्तों जो आम होता है ना, आम या फल जो होता है, तो दोस्तों ये क्या होता है? विरामावस्था में होता है, विरामावस्था में होता है, और विरामावस्था में होने के कारण दोस्तों ये क्या होता है? टूटकर नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें विराम का जड़त्व लगता है, किंतु दोस्तों जो टहनी होती है इसमें गति का जड़त्व गति करता है, और ये विराम के जड़त्व के कारण टूटकर अलग हो जाता है। तो आप इसके आंसर क्या लिखेंगे कि जब पेड़ को हिलाते हैं या डालियाँ को हिलाते हैं, तो दोस्तों जो डालियाँ होती है किस अवस्था में हो जाती है? गत्यावस्था में हो जाती है। किस अवस्था में हो जाती है? तो गत्यावस्था में हो जाती है। किंतु दोस्तों विराम के जड़त्व के कारण जो आम होता है या पेड़ पे लगा पौधा होता है, जड़त्व के कारण वो स्थिर रहता है। इस कारण से दोस्तों जब हिलाते हैं तो पेड़ से फल टूटकर अलग हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे आप एग्जांपल लीजिएगा, एक आप लीजिएगा ग्लास, ठीक है ना, ग्लास, और उसमें कार्ड रखिएगा पतला, उसमें सिक्का रखिएगा, तो और अचानक कार्ड को खींचेंगे दोस्तों तो सिक्का ग्लास पर गिर जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आता है कि ग्लास के मुंह पर कार्ड रखकर सिक्का रखा जाए और कार्ड को तेजी से खींचा जाए उंगली की सहायता से, तो दोस्तों सिक्का ग्लास पर गिर जाता है। क्यों ग्लास पर गिर जाता है? क्यों? तो इसका रीजन क्या है दोस्तों? चूंकि आपके पास ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक पतला कार्ड है, जैसे ही कार्ड खींचेंगे तो कार्ड गति अवस्था में, लेकिन इसमें जड़त्व तो लग रहा है, सिक्के में विराम का जड़त्व लगता है, और विराम के जड़त्व के कारण दोस्तों सिक्का कहाँ गिर जाता है? तो ग्लास पर गिर जाता है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, ठीक है ना, कि कांच के मुंह पर यदि पतला कार्ड रखकर दोस्तों, या ग्लास के मुंह पर पतला कार्ड रखकर उसमें सिक्का रखा जाए और तेजी से खींचा जाए तो क्या होगा? तो जब दोस्तों तेजी से खींचते हैं तो कार्ड गत्यावस्था में आ जाता है। कार्ड किस अवस्था में आ जाता है? गत्यावस्था में। किंतु दोस्तों जो सिक्का होता है विरामावस्था होता है, विरामावस्था में होने के कारण दोस्तों वो ग्लास के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों एक आपके पास आएगा, कंबल को छड़ी से पीटने पर या हाथ से झटका देने पर उसमें धूल कण गिरने लगते हैं। कभी आपने देखा होगा थोड़ा सा गंदा कपड़ा हो, उसको आप झटके लगाओ या उसमें छड़ी से पीटो, तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि कंबल के जो धूल कण होते हैं अलग हो जाते हैं। इसका कारण जानते हैं क्या होता है? जो कंबल होता है दोस्तों, कंबल को जब हम धक्का देते हैं तो कंबल तो गति करने लगता है, कंबल तो गति करने लगता है, किंतु उसमें जो कण है, धूल कण है, वो जड़त्व के कारण स्थिर रहते हैं, और स्थिर होने के कारण दोस्तों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कंबल को छड़ी से पीटने या हाथ से झटका देने पर लगे धूल के कण गिरने लगते हैं, क्यों? तो आपको बताना दोस्तों कि कंबल के जिस भाग पर छड़ी पड़ती है, कंबल के जिस भाग पर छड़ी पड़ती है वो भाग गत्यावस्था में आ जाता है, जबकि धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रह जाते हैं, आता हुए नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार से कंबल को झटका जाता है तो कंबल के विभिन्न कण गत्यावस्था में आ जाते हैं, किंतु धूल के कण दोस्तों विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहते हैं, इस कारण से नीचे गिर जाते हैं। जैसे आप कंबल को धक्का लगाए या झटका जाता है, तो जब झटका जाता है तो कंबल के जो कण होते हैं, कंबल की बात कर रहा हूँ, वो गत्यावस्था में आ गए, लेकिन जो उसमें धूल कण है वो तो गति नहीं कर रहे ना, वो धूल कण तो स्थिर है, इस कारण दोस्तों वो धूल कण अलग हो जाते हैं। तो ये चीजें समझ में आई? तो कई सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए, 4 से 5। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको पढ़ना है और आपको नोट्स बना लेना, लिख लेना, सब में वही चीज है दोस्तों। जैसे मैंने कहा शरीर पीछे की ओर झुकता है, क्यों? तो सीधा सिंपल सा कि जैसे ही गति करना शुरू किया तो जिस भाग में बल लगाया गया वो गति अवस्था में आ गया, और जो भाग जड़त्व के कारण स्थिर है वो पीछे की ओर झुक जाता है। चाहे किसी की बात करें, घुड़सवार जो होता है तो पीछे की ओर झुकता है, क्यों? बस में बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है अचानक चलने से, क्योंकि जैसे ही अचानक चला दोस्तों तो नीचे तो भाग गति अवस्था में आ गया, लेकिन ऊपर का भाग क्या होता है? ऊपर का भाग स्थिर है और स्थिर के कारण पीछे झुक जाता है। एक क्वेश्चन और इसमें से आ सकता है कि जब दोस्तों बंदूक की गोली खिड़की की कांच से टकराती है तो कांच में स्पष्ट छेद हो जाता है, किंतु कांच से जो टकराता है दोस्तों तो कांच के जो होते हैं उसमें दरार नहीं पड़ता, क्यों? तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है? जैसे आपके पास कांच है,
तीव्रता के साथ यहाँ पर गोली लगी। तो जहाँ पर तीव्रता के साथ गोली लगेगी तो उस भाग के पूरे जो अणु हैं वो गति करने लगे, जिस कारण से छेद हो जाता है। लेकिन पत्थर मारने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि तेजीगत से नहीं होता, इस कारण से दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि सभी इससे संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। विराम का जड़त्व तो क्या है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगला वीडियो रहेगा दोस्तों गति का जड़त्व, तो फिर चलते हैं। आप यदि नए हैं तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी, सर्च कर लें नाम पर, है ना। कई बच्चे कहते हैं सर इस वीडियो पर टिप्पणी लिखे, तो मैं आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो को आप यूट्यूब पर डालें और सी यू कोचिंग क्लासेस लास्ट में लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।